अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बर्ड्स बैंक्वेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इसलिए आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट से ही एक मोटिवेशन होती है जिससे और वीडियोज बनाने में मजा आता है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों की बर्ड्स डल हो रहे हैं या कुछ खा पी नहीं रहे या उनके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब चीज़ों में ऐसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत है। जब अल्लाह ने नेचुरल चीज़ों में शिफा रखी हुई है तो दूसरी चीज़ें क्यों यूज़ करें? मेडिसिन तो तब यूज़ करे बंदा कि जब बर्ड आप देखें यार बहुत सीरियस कंडीशन हो गई है, तो अब कुछ फॉर्मुलेशन वाली मेडिसिन वगैरह यूज़ कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो नेचुरल मल्टी वाइटामिन और मिनरल से भरपूर मोरिंगा प्लांट की अपलोड करी थी आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो ग्रिड में जाके देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो इसी तरीके से नीम ट्री, जो कि एक मेडिकेटेड ट्री से भी जाना जाता है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि नीम को तोड़ें किस तरीके से, जो उसकी शाख होती है स्पेसिफिक, उसको कौन सी शाख तोड़ें। देखिए, नीम जो होता है वो उसकी जो छाल होती है वो काफ़ी एक हार्ड किस्म की होती है। आप हमेशा जो है सॉफ्ट टहनियाँ तोड़ें जिसके अंदर जूस या ऑयल भी मौजूद होता है, जो कि बर्ड्स आराम से उसको चबा लेते हैं, आराम से उसको या कंज्यूम कर लेते हैं। और इससे इसके जो तिनके होते हैं जिसपे लीव्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये लोग नेस्टिंग भी बनाते हैं। इसका सबसे प्राइमरी बेनिफिट नीम यूज़ करने का यह है, इससे डिवॉर्मिंग होती है। आपने देखा और सुना भी होगा कि बर्ड्स के पेट में कीड़े हो जाते हैं, या उसको ख़त्म करने को डिवॉर्मिंग बोलते हैं। डिवॉर्मिंग जैसी बीमारी जो है वो बर्ड्स का जो चेस्ट होता है वो सीप में आ जाता है, चेस्ट अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ना बर्ड एग ले कर पाता है और ना ही उसमें जाहिर सी बात है ताकत होती है ब्रीड करने की। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ये नीम यूज़ करने के, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। मेन ये जो है ब्लड प्योरीफाई करता है, अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाता है वो ख़त्म करता है। और जैसे मैं वैसे एक मंथ में एक दफ़ा एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर करवाता था, लेकिन मैंने जब से नीम यूज़ करना शुरू किया था, फ्रीक्वेंट पहले भी करता था लेकिन मैंने अब उसको थोड़ी प्रैक्टिस बना ली है। नीम यूज़ जब मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, तो फिर मैं एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं करा था, और अल्लाह का शुक्र है मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और इसका एक ये भी बेनिफिट है कि जो ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन क्लीन करता है, ब्लड को रिफ्रेश कर देता है। और जब ये नीम खा रहे होते हैं तो इनके मुंह के अंदर जो चोंच के अंदर जो बैक्टीरियाज हो जाते हैं, नीम उसको ख़त्म करने में बहुत मुफीद होता है, और उसको बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। नीम के पत्तों में डाइजेस्टिव बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, जो कि बर्ड्स का हाजमा बहुत ही बेहतरीन कर देते हैं। वैसे वीक में जो है एक दफ़ा आप दें तो बहुत है, और अगर जिस दिन मैं नीम दे रहा होता हूँ तो मैं उस दिन कोई सॉफ्ट फूड नहीं देता, क्योंकि मैं इसको एज अ मेडिकेशन सोच के देता हूँ नीम के पत्तों को। इसलिए कि मैंने लोगों को देखा है, वो लोग ये समझते हैं कि नीम है, ग्रीन पत्ता है, डेली देते रहो खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। नीम इज़ नॉट अ सॉफ्ट फूड, ठीक है? नीम कोई सॉफ्ट फूड नहीं है कि आप लोग उसको डेली बेसिस पे देते रहें, आप लोग इसको मेडिकेशन पर्पज़ के लिए ही दिया करें। तो इसको अब मैं अच्छी तरीके से वॉश कर देता हूँ देने से पहले, ताकि इसमें से कोई डस्ट या कोई गंदगी वगैरह है वो निकल जाए, फिर बर्ड्स को सर्व करते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है, और अब आप देखें कि बर्ड कैसे इंजॉय करते हैं। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से मज़े से इंजॉय कर रहे हैं बर्ड्स नीम के पत्तों को, और जाहिर सी बात है ग्रीन चीज़ उनको दी है, लीव्स वगैरह तो उनको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसी तरीके से फ़न कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, और ये उठा उठा के अपनी नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे भी लेके जाएंगे हंडियों में। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि नीम के और भी बहुत सारे तरीके हैं यूज़ करने के, जो कि आप लोगों को पता होगा कि एक ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, और जो छोटी छोटी कीड़े, छोटे छोटे माइट्स, लाइज, जुएं हो जाती हैं, जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आती हैं, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। अगर आप उसको नीम को बॉईल करें पानी में और उसको स्प्रे करें बर्ड्स के ऊपर, तो वो एज अ एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी काम आता है, और जो जुएं मुएं छोटी छोटी हो जाती हैं वो भी मार देता है, और इसका जो असर होता है वो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है नीम का। और जब आप नीम का जो पानी है स्प्रे करते हैं, तो नीम से जो एक ऑयल निकलता है उससे स्केली फीट जो होते हैं,
स्केली फीट जो बिल्कुल खुरदरे खुरदरे उनकी चोंच या नाक हो जाती है या उसका जो पंजे हो जाते हैं, वो अगर पानी नीम का पानी उनके ऊपर पड़े तो वो बड़ा ही बेहतरीन साबित होता है उनके लिए। और अगर उसमें आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल मिला दें तो क्या ही बात होगी, जिसकी वजह से स्केली फीट्स और बीक जो होती है वो थोड़ी ऑयली हो जाती है। नीम का पानी जब आप बॉईल कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उसमें जो आपने देखा होगा पीले पीले रंग की छोटी छोटी निबोलियाँ होती हैं साथ, वो भी डाल दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी गर्म पानी में। और एक और मैं आपको बड़ी बेहतरीन चीज़ बताऊं, लवबर्ड्स में आप लोगों ने देखा होगा पॉक्स की बीमारी बहुत आती है, और अगर पॉक्स हो तो नीम का हल्का सा गर्म पानी आप बर्ड्स के फेस पे स्प्रे करें, इंशाल्लाह पॉक्स ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग और उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है नीम का पानी जब आप स्प्रे करते हैं। देखो यार, अगर आप कोई भी फॉर्मुलेशन वाला स्प्रे करते हैं तो वो बर्ड्स को फॉर अ टाइम ही हार्म जरूर देता है, जैसे उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो एक इरिटेशन होती रहती है उन लोगों को अगर वो कोई कोई मेडिसिन या फॉर्मुलेशन वाला स्प्रे करते हैं। मैं भी यूज करता था, ऐसा नहीं मैं यूज नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ दिन के टाइम में जब उनकी आंखें वाखें लाल होती हैं, उनको नजर आना थोड़ा सा खत्म हो बंद हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कभी करूँ तो मैं सुबह के टाइम ही करूँ ताकि वो शाम तक जो है ना रिकवर हो जाए। इसलिए रात में अगर उनको नजर नहीं आएगा, वो आपस में टकराएंगी, दीवारों से टकराएंगी, तो जाहिर सी बात है फिर बर्ड के जख्मी होने के भी चांसेस हैं। तो व्यूअर्स, आप नीम का जो इस्तेमाल है अल्लाह का नाम लेके स्प्रे करें, देन वॉच द वंडर्स, इन सब चीज़ों और बीमारियों से बचने के लिए सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव वे इज़ नीम। और नीम के मैं बहुत ज़्यादा हक में हूँ क्योंकि ये खारिज भी ख़त्म करता है और स्केली फीट्स भी ख़त्म करता है, डिवॉर्मिंग भी करता है, और जो पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी है जिससे बर्ड्स मर भी जाते हैं उसको ख़त्म करता है और उसको कंट्रोल में भी रखता है। भाई एक चीज़ ये होती है कि आप नेचुरल तरीकों से नेचुरल चीज़ों से अपने मसले हल कर सकते हैं तो ज़्यादा ठीक है, वो भी किसी साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर। बेकार में मेडिसिन यूज़ तब करें जब आपकी जो बर्ड है अल्लाह ना करे कोई सीरियस मामलात में आ चुकी है, सीरियस कंडीशन हो चुकी है, तब यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नीम का इस्तेमाल आप कम से कम एक दफ़ा 1 से 1.5 हफ्ते में ज़रूर करें और अपनी बर्ड्स को इन सब बीमारियों से दूर रखें। तो जिन दोस्तों ने इस वीडियो में मेरा साथ एंड तक दिया है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें, और अपनी बर्ड्स का आप लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।